मुंबई में हर वर्ष की तरह इस साल भी राजस्थान मेवाड़ एकता संघ मुंबई द्वारा षणमुखानंद हॉल में आयोजित होने वाला विराट राष्ट्रीय कवि सम्मेलन और मेवाड़ होली महोत्सव बड़े ही शानदार ढंग से आयोजित हुआ। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में देश के प्रसिद्ध कवियों ने अपनी विभिन्न रचनाओं के माध्यम से लोगों का दिल जीत कर माहौल को एकदम खुशनुमा कर दिया। वहीं बाबा मौर्य ने देशभक्ति गीतों से लोगों को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण के केंद्र ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो विजेता एक्टर सुनील पाल ने समाज के वर्तमान ज्वलंत मुद्दों सहित कई विषयों पर अपनी पैरोडी और हास्य कविताओं से लोगों को खूब गुदगुदाया। वहीं दिल्ली से आई सिंगार रस की कवित्री मोनिका देहलवी ने मंच संचालक सौरभ सुमन के साथ हाजिर जवाबी कविताओं का संयोजन स्थापित कर लोगों को देर तक बांधे रखा। बता दें कि पिछले 13 वर्षों से लगातार हो रही इस कार्यक्रम में इस वर्ष भी 3000 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी रही। इस मौके पर संस्था के संस्थापक दिनेश बोहरा के अनुसार आने वाले दिनों में संस्था के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारे कार्य करने की परियोजना का श्री गणेश भी कवि सम्मेलन के दौरान किया गया। तो ही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा। तो ही विशेष अतिथि के तौर पर राजस्थान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवकी नंदन गुर्जर काका और बीजेपी सांसद मनोज कोटक सहित कई नामी गिरामी लोगों की मौजूदगी रही। तो ही संस्था के अध्यक्ष रमेश वडाला, महामंत्री दिलीप पगारिया, कोषाध्यक्ष निर्मल भरसारिया, संरक्षक महेंद्र भरसारिया, मनीष सियाल, पत्रकार मनीष पालीवाल सहित संस्था के पदाधिकारियों और वरिष्ठ जनों का इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम के दौरान आए हुए अतिथियों, गणमान्य लोगों सहित संस्था के प्रमुख पदाधिकारियों ने मां राजस्थान के संवाददाता रितेश पाठक से खास बातचीत की। आइए देखते हैं बातचीत के दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा, इस पर हमारी ये खास कवरेज। बच्चे सब का गाना बड़ा हिट हुआ था, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी छोटी। सारी शादीशुदा लोगों के लिए, औरतों के लिए गाना बना था, इसमें कुंवारों के लिए लाइन नहीं थी, तो पगारिया जी ने इसमें लाइन डाल दी कुंवारों के लिए। और जिसकी बीवी नहीं है उसका भी बड़ा नाम है, सबको अपनी समझो। अरे सबको अपनी समझो, शादी का क्या काम है। नहीं नहीं नहीं, इतनी शरशरी बात नहीं, बस हाथ जोड़े मत मारो, आओ अगला प्रणाम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आइए छोटी छोटी बातें खत्म करके और मैं फिर करता हूँ, क्योंकि वाकई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि जब सुनते हैं, सुनने वाली ऑडियंस मिलती है, तो हम कलाकार को अच्छा लगता है, क्योंकि हम कलाकार सुनता ही कौन है, घर में पत्नी नहीं सुनती। अभी जितने लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, देश को हिला दूंगा, पाकिस्तान झंडा गाड़ दूंगा, ए दुश्मन, और घर पे फोन पे तो भी फोन उठाती है। भाई साहब एक तो सही, लेकिन मेरे सामने बात नहीं करते। हर किसी की ये परिस्थिति है, क्योंकि महिलाओं की आवाज वॉइस ओवर या ओवर वॉइस, शादीशुदा महिलाएं पति के सामने एक दो ही ऑप्शन रखती है, सुनते हो, सुना क्या, सुनो जी, बस इतना ही, सिर्फ सुनो। आज तक किसी शादीशुदा महिला ने पति से कहा, कहते हो, कुछ कहा क्या, कहो जी, सिर्फ सुनो। रात को जब हम लेट हो जाते हैं तो पत्नियां जब फोन करती हैं, वो बेचारी खाने के लिए पूछ रही है, लेकिन वो दहशत वाला माहौल होता है, पूछती कैसे है, बाहर से ही खा के आओगे या घर में आके खाओगे। धामा को गले लगाया कर्ण दधीची सा दानी, वो युद्ध क्षेत्र में आया, क्षण भर सोचा, राणा बोले आप नहीं लड़ सकते हो, वनिक कर्म है युद्ध, देव की भेंट नहीं चढ़ सकते हो। बोले तुम जैन हो, मैं तुम्हें लड़ने नहीं दूंगा, तुम जैन हो, मैं तुम्हें लड़ने नहीं दूंगा। जब ये कहा, भाई साहब मैं सुने रमेश भैया निवेदन है प्लीज, उन्होंने कहा कि मैं जैन हो, तुम्हें लड़ने नहीं दूंगा, भामाशाह का जवाब सुन के ऑडिटोरियम बताएगा। क्षण भर सोचा, राणा बोले आप नहीं लड़ सकते हो, वनिक कर्म है युद्ध, देव की भेंट नहीं चढ़ सकते हो। भामा बोले हम व्यापारी, देखना चाहता हूं मैं आपको, भामा बोले हम व्यापारी, धन हमें प्रिय, राणा जी यही सुना है, किंतु धन और देश में से मैं
मैंने देश चुना है। सर्वप्रथम हमारे जो संस्थापक है दिनेश बोरा की ये कल्पना थी, महेंद्र बरसारी की भी ये कल्पना थी कि मेवाड़ के सात जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान के, जो मेवाड़ क्षेत्र गिना जाता है, उसका एक प्लेटफॉर्म मुंबई में हो, ताकि हम मेवाड़ियों की जो भी बातें हैं या मेवाड़ में जाकर हमें कुछ रचनात्मक कार्य करना है या भी जन कल्याण के जो कार्य करना है, उसके लिए हमने एक राजस्थानी मेवाड़ एकता संघ का निर्माण किया। और तब से लेकर आज तक हम यह होली के दिन षण्मुखानंद हॉल में एक ऐतिहासिक और यादगार कवि सम्मेलन आयोजित करते आ रहे हैं। और डे वन से जब से यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, हम सुधार के साथ जहाँ जहाँ हमें कमी लगी सुधार के साथ आगे बढ़ते गए। और इस मंच का सबसे एक अनूठा जो कार्य है वो यह है कि इस मंच पे हम सम्मान किसी का नहीं करते हैं, सम्मान जो भी है हम प्रवेश द्वार के वहीं सभी का सम्मान कर लेते हैं। और जब कार्यक्रम प्रारंभ होता है, शुद्ध कवि सम्मेलन के रूप में यह कार्यक्रम प्रारंभ होता है और कवि अपनी रचनाएँ प्रस्तुत करता है, बीच में कोई व्यवधान नहीं। ये इस कार्यक्रम से कई दूसरी संस्थाएं भी सीखी है कि हमने सम्मान का कार्यक्रम स्टेज पे नहीं करना है, जब भी हमारा प्रवेश द्वार पर लोग आए वहीं सम्मान कार्य को गति देकर उसको पूरा संपादित करना है। और इस तरह से इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ गई और लोगों को ये लगता है कि यहाँ हमें प्योर कवि सम्मेलन देखने को सुनने को मिलेगा। और कवि भी हम एक से एक बढ़कर हमेशा आते हैं और हमेशा एक से एक बढ़कर यादगार कार्यक्रम होता है। पर आज पहली बार जो रमेश बड़ाला ने अनाउंस किया कि हम कैंसर पीड़ितों के लिए ये कार्य करेंगे, ये हमारे जहन में पिछले 10 वर्षों से था कि हम इसे रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित करें, चाहे मेवाड़ की धरती पर हो चाहे मुंबई में मेवाड़ के प्रवासियों के द्वारा हो। यह हमारी एक शुरू से एक तड़प थी कि हमें ऐसे कार्यक्रम करना है जन कल्याण के, तो हम इस ओर आगे बढ़ रहे हैं, यह हमारे लिए शुभ संकेत है। धन्यवाद बहुत बहुत। आप क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से हर साल एक दशक से ज़्यादा संस्था कार्यक्रम कर रही है, आप इस कार्यक्रम में आए, पूरी संस्था के लिए क्या आशीर्वचन देना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे गर्व है कि हमारे मेवाड़ भाइयों ने विगत 13 वर्षों से होली मिलन सम्मेलन सम्मेलन जिस प्रकार से कवि सम्मेलन के साथ एकता मंच की जो स्थापना कर अपने मेवाड़ के भाइयों के दुख दर्द में जो सम्मिलित हुए व्यवस्था की, इसलिए मैं उनसे बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। और साथ ही मुझे भी बड़ा नाद है इन लोगों पर, मुझे भी इनके धुनदानों को मुझे भी इन सब के दर्शन का मौका मिला और आज इतनी रात्रि तक भी 3 से 4 हज़ार हमारे भाई बहनें इस सम्मेलन में, समय से पता होता है कि आपकी किस प्रकार की ये सम्मेलन और किस प्रकार से एकता मंच अपना काम कर रहा है और सफलता के जो कार्य पहुँचता है। साथ ही हमारे इन बंधुओं ने राष्ट्र की सेवा के साथ साथ गौ माता की सेवा गौशाला के लिए जो जिस प्रकार की जमीन की इन्होंने जो मांग की है, हम कोशिश करेंगे इनकी जमीन इनकी जैद चार बजे साथ से पूरी जमीन की व्यवस्था भी करने का काम कर सकें ताकि गौशाला बनकर अच्छी सेवा कर सकें। साथ ही मैं यहीं से प्रार्थना करता हूँ कि आप पूरा ये एकता मंच और एक दृढ़ता के साथ बढ़ सके, व्यवस्था कर सके ताकि आगे बढ़ते हम काम कर सकें। और मेवाड़ के महेंद्र जिस प्रकार से अपनी कर्मभूमि जो आपकी कर्मभूमि मेरी बॉम्बे है और मातृभूमि के लिए जिस प्रकार से आप सोच रहे हैं और मातृभूमि की रक्षा के लिए मातृभूमि के विकास के लिए हम सब मिलकर से कोई काम कर सकें, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही हमारे पत्रकार बंधुओं को साधुवाद देंगे कि आपने जिस प्रकार के पढ़ा के इनकी हिम्मत बना के काम किया, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। शुक्रिया सर से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ पूरे पदाधिकारी हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से इन पदाधिकारियों को दिखाने गुजारिश करूँगा जो कि एक दशक से ज़्यादा हो चुका है ये कार्यक्रम को ऐतिहासिक रूप से करते हैं। हमारे साथ दिलीप पगारिया जी जुड़ रहे हैं जो संस्था के महामंत्री हैं। दिलीप पगारिया जी क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से पूरी टीम इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए 2 महीने से लगी थी, आज आपकी सफल मेहनत रंग लाई, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूं आज के इस प्रोग्राम के ऐतिहासिकता को देखते हुए और जिस प्रकार से हम विगत 12 वर्षों से कर रहे हैं, आज ये 13वां वर्ष है और जिस हिसाब से आज का कवि सम्मेलन हुआ मैं बहुत ही खुश हूँ उससे। और हम इसको राजनीति मंच तो नहीं बनाते हैं पर ऐसा है कि हम पूरे राजस्थान के 36 कौम के समाज के सभी युवाओं को और सभी वर्ग को जोड़कर इस प्रोग्राम को करते हैं। 36 कौम का ये प्रोग्राम है, राजस्थानी मेवाड़ एकता मंच मुंबई यह करता है, होली का स्नेह सम्मेलन भी हो जाता है, कवि सम्मेलन भी करते हैं, हम इसमें कोई राजनीति नहीं देते हैं।
इस बार हमने जरूर बुलाया बीजेपी अध्यक्ष मुंबई से मंगल प्रभात जी लोढ़ा को और हमारे लाडले श्रीनाथ जी की नगरी से नादवारा से काका जिनको कहते हैं हम सभी फेमस है देवकी नंदन जी काका गुजर को, इन सभी का आशीर्वाद भी हमको मिला और आश्वासन भी मिला। हम चाहते हैं कि राजस्थानी मेवाड़ एकता संघ कुछ ऐतिहासिक काम करे, अपने गाँव की तरफ भी मुड़े, उसके स्वरूप हमने आपके सामने निवेदन रखा कि आने वाले टाइम में हमको एक गौशाला वहाँ स्थापित करनी है, उसके लिए 30-40 बीघा ऐसी कोई ज़मीन ऐसा कोई भूखंड हमको मिले तो हम राजस्थानी मेवाड़ एकता संघ मुंबई बैनर तले वहाँ कुछ सेवा का प्रोग्राम कर सकें, वो सेवा का लाभ ले सकें। और इस ऐतिहासिक कवि सम्मेलन और प्रोग्राम के लिए मैं पूरी टीम संरक्षक और अध्यक्ष मंत्री संस्थापक एवं मेरी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ सभी के सहयोग से। और मैं मेरे स्पॉन्सरों को भी विशेष तौर से मैं याद करूँगा, उनकी ही बदौलत हम ये प्रोग्राम कर पाते हैं। तो मैं सभी स्पॉन्सर और सभी मेरी कार्यकारिणी को बधाई देता हूँ आज के इस ऐतिहासिक प्रोग्राम के लिए और आप सभी का धन्यवाद। और मैं सभी पत्रकार महोदय और सभी उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। दिलीप अगर जी आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, जैसा कि आपने जिक्र किया कि आपकी जन्मभूमि में गौशाला का, तो गौशाला के लिए देवकी नंदन जी ने मुहर लगा दी, उन्होंने कहा कि हमसे जो हो सकेगा हम सहयोग करेंगे, तो ऐसे राजनेता के लिए क्या करना चाहेंगे? इनका दिल बड़ा है और हम पूरा इन पे विश्वास करते हैं। हमारे गांव रेलमंगरा साइड पे भी आपका बहुत स्नेह रहा है, वैसे राजस्थान में पूरी सब जगह आपका स्नेह है। फिर हम चाहेंगे कि अगर ये आश्वासन दिया है तो बहुत जल्दी से पूरा होगा और राजस्थानी मेवाड़ एकता संघ इस ओर बहुत जल्दी अग्रसर होगा आपके आशीर्वाद से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो कि इस मंच का संचालन किए हैं मनीष जी पालीवाल जुड़ रहे हैं। मनीष जी क्या कहना चाहेंगे, आपने एक सफल मंच संचालन किया, पूरा मेवाड़ का जनसैलाब उमड़ा, होली महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम हुआ, राष्ट्रकवि आए, आपकी तरफ से समाज के लिए क्या मैसेज? देखिए ऐसा है कि मुंबई में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं और हर कार्यक्रम की अपनी अपनी गरिमा है। ये जो कार्यक्रम है ये 36 कौम का सच्चे मायने में प्रतिनिधित्व करता है, इसकी कार्यकारिणी में तमाम 36 कौम के लोग हैं और यहाँ जो आते हैं वो भी पूरे अलग अलग समाजों के लोग आते हैं। आज हमारे बीच में नाथद्वारा के माननीय और हमारे सबसे वरिष्ठ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी देवकी नंदन जी आए, मुंबई भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष लोढ़ा साहब आए, इन तमाम लोगों की उपस्थिति ये दर्शाती कि कार्यक्रम सच्चे मायने में मेवाड़ का बड़ा कार्यक्रम है और ये संस्था सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही है। जैसा कि आज आपने देखा कि 1 लाख रुपए का अनुदान दिया है, उसके माध्यम से कैंसर पीड़ितों का सहयोग मिलेगा, मेवाड़ से या राजस्थान से जो भी लोग आएंगे उनको ठहरने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुंबई के अंदर 36 कौम यानी कि संपूर्ण जाति जो राजस्थान की या मेवाड़ की है उनका प्रतिनिधित्व करने वाली ये सच्ची संस्था है। इसके साथ आप जुड़िए और हर वर्ष इस कवि सम्मेलन जो यहाँ सन्मुखानंद हॉल में होता है आप भी आइए। होली महोत्सव है, बस होली बहुत ही शानदार त्यौहार है, मिलन का त्यौहार है, सब कुछ भूल कर वापस, अगर कुछ भी वैमनस्य रह गया है तो वो भुला कर वापस हम सब एक होते हैं। होली के दिन सारे गीले शिकवे भूल जाते हैं और वापस रंगों के साथ में मिल के वापस जीने का नया साल जैसे प्रारंभ होता है वैसे हम जीते हैं। सर हाल ही में अभी आपको इकोनॉमिक टाइम्स ने एक बिजनेसमैन बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड दिया है, सर ये अवार्ड के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस ये अवार्ड तो अभी ऐसा है कि बस मेहरबानी है, आशीर्वाद है पिताजी का हमारे और पूर्वजों का और फ्रेंड्स सब दोस्तों का ग्राहकों का जिन्होंने ये मुझे अवार्ड जो मिला है उनके थैंक्स है उनको, बस बहुत बहुत थैंक्स है उनको और बहुत खुश हूँ और ये मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड है। टाइम्स ऑफ इंडिया इकोनॉमिक टाइम्स ने मुझे रिकॉग्नाइज किया, मेरे बिजनेस को रिकॉग्नाइज किया, बहुत अच्छा लगता है। देखिए मैं आप इस चैनल के माध्यम से पूरे मेवाड़ वासियों को और देशवासियों को होली की शुभकामनाओं के साथ यह कहना चाहता हूँ कि राजस्थानी मेवाड़ एकता संघ पिछले 40 वर्षों से बहुत सराहनीय कार्य कर रहा है और यह कवि सम्मेलन का ही माध्यम न रह करके और अन्य सामाजिक कार्य भी कर रहा है जिससे मेवाड़ वासियों को कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इनका जो 14 वर्ष का लंबा कार्यकाल है इसमें इतने मेवाड़ प्रवासी आते हैं कि इनका जो भी कवि वगैरह आते हैं जो भी आयोजक होते हैं बहुत अच्छा कार्य करते हैं और मैं इनके जो संस्था है उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना करता हूं और ये संस्था निरंतर प्रगति करती रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मारा राजस्थान के सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और ये पिछले हम लोग 14 वर्षों से कार्यक्रम कर रहे हैं और मेवाड़ के 8 जिलों इसमें समाहित हैं और सभी लोग बड़े
उल्लास के साथ इस कार्यक्रम में आते हैं और एक लोगों को रहता नहीं मुझे पास चाहिए या मुझे जाना है, मुझे कार्यक्रम देखना है। इतने लोगों की डिमांड रहती है कि एक बड़ा मंच हो गया है और इसमें लोग नहीं कि नहीं उस दिन मुझे जाना ही है क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम है और बड़ी संख्या में लोग आते भी हैं। और बाकी बड़े बड़े जैसे किरण जी महेश्वरी आ चुके हैं इस कार्यक्रम की, बहुत सारे नेता भी प्रशंसा कर चुके हैं कि नहीं आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और पिछले समय से कुछ सामाजिक काम थोड़ा कम हो रहा था लेकिन इस वर्ष से इसमें पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सामाजिक काम इस संस्था को बहुत बड़े आगे बढ़ाया जाए। सर, राजस्थान मेवाड़ एकता संघ मुंबई की बात करें तो होली महोत्सव के साथ साथ संस्था किस तरह की कार्य करती है, संस्था के बारे में संक्षेप में बताना चाहेंगे? सर, होली मेवाड़ एकता संघ हॉस्पिटल में किसी के इलाज के लिए कुछ पैसा कम पड़ रहा है तो उसको एक हम लोग उसमें डिस्काउंट या उनको एक राशि कम करवा देते हैं। अभी एक हरियम चैरिटेबल ट्रस्ट जो कैंसर पीड़ित साइन कोलीवाड़ा में है उसमें राजस्थानी मेवाड़ एकता संघ ट्रस्टी बनी है, संस्था ट्रस्टी बनी, कोई व्यक्तिगत ट्रस्ट नहीं बनाए, ट्रस्टी नहीं बनाए, संस्था बनी है। अब आगे इस तरह से बहुत सारे हमें कार्य करने हैं। आपसे आखिरी सवाल, राजस्थानी मेवाड़ एकता संघ मुंबई जितने लोग कार्यक्रम में आज शिरकत किए हैं होली महोत्सव कार्यक्रम स्नेह सम्मेलन में, पूरे समाज के लिए संस्था की तरफ से रमेश जी वडाला और उनकी पूरी टीम की तरफ से क्या मैसेज है? मैं सभी मेवाड़ के लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं, इस संस्था को आप जितना हो सके मजबूत और अच्छी बनाएं तो आने वाले मुंबई के चुनाव में भी हम लोग अपने मेवाड़ की ओर से कुछ उम्मीदवारों को उतार कर जिता सके और मुंबई महानगर पालिका में मेवाड़ का एक वर्चस्व फहरा सके। माटुंगा के किंग सर्कल के षणमुखानंद हॉल में मौजूद है, यहाँ पर मेवाड़ी एकता संघ मुंबई होली महोत्सव का कार्यक्रम किया है, भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम पिछले कई सालों से कर रहा है। इस मौके पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए हैं नवल सिंह सुराना जी। नवल सिंह सुराना जी, आप बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता हैं, राजस्थानी समाज से काफ़ी जुड़े हैं, समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये राजस्थानी मेवाड़ एकता संघ जो मुंबई में दिनेश बोहरा के मार्फत बना है, ये गत 15 वर्षों से मुंबई में होली मिलन का ये कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत ही परिश्रमी युवक हैं और इन्होंने पूरे मेवाड़ के लोगों को, जो उद्योगपति हैं जिनकी आपस में पहचान नहीं थी, इस मंच के मार्फत इन्होंने पूरे मेवाड़ के लोगों को एक किया और इसी बहाने सबका मिलन हो रहा है। और मैं हृदय की गहराइयों से इन्हें बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ और भगवान श्रीनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें आगे भी अच्छी तरह से सफलता करें और मुंबई और महाराष्ट्र में जो मेवाड़ के लोग जो हैं उनके मिलने का एक ये अच्छा स्थान बन गया है। आने वाले दिनों में भी ये कोशिश रहे कि अच्छे लोग इनसे जुड़े और ये कार्यक्रम और सफलता की ऊंचाइयों को बने। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे नवल सिंह सुराना जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राजस्थानी मेवाड़ एकता संघ मुंबई ये संस्था है जो पिछले कई सालों से मेवाड़ियों के साथ साथ 36 कौम के लोगों को एकजुटता प्रदान करने के लिए होली का कार्यक्रम करता है। तो इसी तरह की जो संस्था रहती है तो निश्चित तौर पर जो है समाज विकास की ओर अग्रसर होता है। कैमरा पर्सन से कथा के साथ रितेश पाठक, मारो राजस्थान मुंबई। एकता संघ मुंबई ने विराट हास्य कवि सम्मेलन और होली महोत्सव कार्यक्रम रखा है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद मनोज कोटक जी हैं। मनोज जी, राजस्थानी मेवाड़ एकता संघ मुंबई ने जो होली महोत्सव कार्यक्रम रखा, यहाँ पे भारी संख्या में मेवाड़ के लोग आए होली मिलन समारोह में के लिए, सर आप क्या मैसेज देना? मुझे लगता है कि मेवाड़ संघ एक देशभक्त संगठन है और उनके लोग जहाँ भी रहते हैं अपनी परंपरा से, अपने उत्साह से पर्व को मनाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी होली मिलन कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है और मैं और मंगल प्रभात लोढ़ा जी उनके नेतृत्व में हमने उनको शुभकामनाएँ दी है। और ये समाज सालों साल मुंबई के उत्कर्ष में काम करते रहा है, अपने क्षेत्र में जहाँ भी रहते हैं उस क्षेत्र की उन्नति के लिए हमेशा प्रयत्न करते हैं और आज के होली के शुभ अवसर पर हमने उनको यही शुभकामनाएं दी कि आप जहाँ भी रहे समाज को सुदृढ़ बनाने का काम करें। सर, यहाँ पे बात की गई है सर कि 2022 के नगर सेवक चुनाव में अधिक से अधिक लोग जो है इस टिकट की मांग की हैं, क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि टिकट का निर्णय तो भारतीय जनता पार्टी करेगी लेकिन मुख्य धारा में ये सारा समाज एक बार सम्मिलित हो जाए, अपने आप में ये काम करने के समय अच्छे तरीके से काम करे तो निश्चित ही किसी भी समाज को साथ में लेके चलना ये भारतीय जनता पार्टी में हमें सिखाया गया है
और सारे समाज को प्रतिनिधित्व देने का प्रयत्न हमेशा से भारतीय जनता पार्टी करती है। राजस्थानी मेवाड़ एकता संघ मुंबई की टीम आपके साथ मौजूद है, इन्होंने जो भव्य कार्यक्रम रखा, कवि सम्मेलन, होली मिलन समारोह कार्यक्रम, ऐसी संस्था के लिए सर क्या कहना चाहेंगे? मैंने बताया कि ये संस्था एक देशभक्ति के रंग में रंगी हुई संस्था है, अपनी परंपरा को, अपने धरोहर को संभाल के रखने का काम करती है और ये बहुत सक्षमता से ये काम को निभाती है। पूरे समाज को एकत्रित करके आज मुंबई जैसे शहर में काम करना ये अपने आप में एक गौरवशाली बात है। हमसे बातचीत करने के लिए ये थे बीजेपी सांसद मनोज कोटक, जो उन्होंने कहा कि राजस्थानी मेवाड़ एकता संघ मुंबई जो संस्था ही नहीं अपितु एक बहुत बड़ी परिवार है, बहुत बड़ा, जो संस्था के साथ साथ मिलकर के जो है 36 कौम के लिए जो होली महोत्सव कार्यक्रम करती है, उन्होंने बधाई देते हुए कहा है कि राजनीतिक निर्णय जो भी लिया जाएगा लेकिन राजस्थान के लिए एक संकेत, बहुत ही अच्छा परिणाम आ रहा है कि 2022 के मनपा चुनाव में राजस्थान के लोगों को जो है भागीदारी मिलेगी। कैमरा पर्सन शिखर थापा के साथ रितेश पाठक, मारा राजस्थान, मुंबई।